and welcome or welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. So February month is here और Valentine's Day भी नजदीक आ रहा है. So I know सारी ladies को तैयार होना, नए नए कपड़े लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. So I also have some amazing products with me which I recently bought from Amazon specially for this Valentine's Day. So if you are planning to purchase dress, then I have really amazing two options for you. तो हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो गेट रेडी विथ मी काइंड ऑफ वीडियो होने वाला है. सो फ्रॉम हेड टू टो आई हैव ऑल द प्रोडक्ट्स विथ मी एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम अमेजॉन. तो आपको जो सारे लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं and if you like content related to fashion, beauty, lifestyle and vlogs, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. हाँ ये कर लो पहले. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें. So without wasting any more time, let's get started. जो भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है. आप वैलेंटाइंस डे के अलावा भी सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. सो दे आर रियली यूजफुल फॉर यू. सो इफ यू आर ए कॉलेज गोइंग गर्ल या तो फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं. सो विल स्टार्ट विद ड्रेसेस फर्स्ट बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शो इट टू यू गाइज. ओके सो फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल फ्लोरल प्रिंट ड्रेस. सो दिस इज अ बलून स्लीव्स ड्रेस और अगर हम इसकी MRP की बात करें दैन इट वॉज फॉर अराउंड 600 रुपीज़ में मैंने ये मीडियम साइज परचेज किया है. बट द पैटर्न इज सो ब्यूटीफुल. आपको नीचे ऐसी पूरी फ्रिल पैटर्न मिल जाएगी. ये पहनने से इतना ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग कि हम दोपहर को बाहर जाएंगे तो वो टाइम पे आई वेयर दिस ड्रेस और नाइट के लिए आई हैव अदर ड्रेस. सो या दैट्स वाई आई टोल्ड के मेरे पास दो ड्रेसेस है. सो आई जस्ट लव दिस ड्रेस. तो अगर मुझे इसे रेट करना होगा दैन डेफिनेटली आई रेट इट 10 on 10. इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल अच्छा खासा थिक है, पैटर्न बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो आई थिंक इसमें दो कलर्स थे, वन वाज दिस और दूसरा एक सी ग्रीन कलर था. बट आई थिंक ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा. सो लेट मी जस्ट शो यू द प्रिंट ऑफ दिस ड्रेस. सो दिस इज हाउ द प्रिंट लुक्स लाइक. पहनने से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, बहुत स्टनिंग ड्रेस है. सो यू कैन डेफिनेटली चेकआउट, मतलब चेकआउट नहीं, आपको तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप ये चेक करें क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट्स वेरी रीजनेबल. सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू क्या यू कैन गो फॉर दिस वन. सो नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्यूटिफुल रेड कलर ड्रेस. सो वैलेंटाइंस डे है तो ऑब्वियसली रेड कलर का कुछ तो होना ही था. सो फॉर दैट आई हैव दिस ब्यूटिफुल रेड कलर ड्रेस. सो दिस इज ऑल्सो पॉप स्लीव्स ड्रेस. तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं रात को जब हम डिनर के लिए जाएंगे तो वो टाइम पे मैं ये ड्रेस पहनूंगी. सो द नेकलाइन इज दिस ब्यूटीफुल स्क्वायर शेप. तो अगर हम इसकी MRP की बात करें तो ये 400 या 450 के अराउंड था. सो बोथ द ड्रेसेस आर वेरी अफोर्डेबल. और इसकी क्वालिटी की बात करूँ दैन दिस इज ऑल्सो पॉलिएस्टर मटीरियल. जो मैंने पहले बताया वो भी पॉलिएस्टर था. एक्चुअली ये कैमरे पर बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड लग रहा है पर इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है. इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. ये भी मैंने मीडियम साइज़ में मंगवाया है. नी लेंथ से ऊपर आ जाता है. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद शॉर्ट ड्रेसेस देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. मुझे दोनों ड्रेसेस इतने ज़्यादा अच्छे लगे, दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो अगर मुझे इसे भी रेट करना होगा दैन डेफिनेटली आई रेट इट 10 on 10. इट्स दैट ब्यूटिफुल. तो अगर आप इसे चाहे तो ऑफिस में भी पहन सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी मीटिंग और एनीथिंग तो आप वहाँ पर भी इसे पहन सकते हैं. तो अगर हम इसकी स्टाइलिंग की बात करें तो इसके नीचे अगर आपके पास बूट्स है तो आप थाई लेंथ बूट्स पहन सकते हैं, हाफ लेंथ बूट्स पहन सकते हैं. विंटर टाइम में ये अच्छा लगेगा. सो या लव द क्वालिटी ऑफ दिस ड्रेस एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट. दोनों ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द एसेसरीज. और उससे मेरे पास है दिस ब्यूटिफुल ब्लैक कलर पर्स. दिस इज अ शोल्डर बैग. कैन यू सी द डिटेलिंग ऑफ दिस. दिस इज सो प्रिटी एंड द क्वालिटी इज अमेजिंग. तो यहाँ पे आपको हाफ पोर्शन में ऐसे चेन डिटेलिंग मिल जाएगी एंड हाफ में ऐसे बेल्ट दिया हुआ है. तो ये आई थिंक क्रोकोडाइल प्रिंट बोलते हैं. सो दिस इज अ क्रोकोडाइल प्रिंट बैग. इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे. दिस इज लाइक शाइनी कलर, मतलब ये मैट फिनिश नहीं है, इट्स अ शाइनी फिनिश. तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. और अगर हम इसकी MRP की बात करें दैन इट्स ओनली एंड ओनली ₹550. तो 550 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का पर्स मिल रहा है. दिस इज़ रियली अ ग्रेट पर्स. मैं आपको बस ओपन करके दिखा देती हूँ. It is very spacious. When you see this बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत सामान आ जाएगा इसके अंदर। सो या बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मतलब यहाँ पे आपको एक छोटी चेन भी दी हुई है और यहाँ पे नीचे भी एक पॉकेट जैसा कुछ दिया हुआ है। सो लव द क्वालिटी ऑफ इट। और ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और इसमें मतलब आपको चाहिए उतने शेड्स मिल जाएंगे। नीचे भी आपको ऐसे डिटेलिंग दी हुई है। सो लव द क्वालिटी ऑफ इट। मतलब कितना स्मार्ट लग रहा है इफ़ यू कैरी दिस। सो या सो वैलेंटाइंस डे पे आप पहन सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऑफिस में भी इसे पहन सकते हैं, पार्टीज में पहन सकते हैं। सो या दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड ब्लैक कलर की। ब्लैक हर आउटफिट में चला जाएगा। मतलब अगर मैं मेरे आउटफिट्स की बात करूँ तो दोनों आउटफिट्स के साथ ये मेरा पर्स अच्छे से मैच हो जाएगा। तो अगर हम इसके रेटिंग की बात करें तो इसका भी मतलब आई ऑल्सो रेट दिस 10 ऑन 10, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 550 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का पर्स मिल रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट डील। सो नेक्स्ट अब आई हैव दिस शेड्स। तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको फंकी लुक चाहिए एंड इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ कलर, सो उसमें आपको वाइट कलर मिल जाएगा, ऑरेंज कलर मिल जाएगा। आई चोज ब्लैक कलर। आई थिंक मैंने ये आपको पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन माई प्रीवियस वीडियो। तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी एंड दे आर सो ट्रेंडी। सो लव द क्वालिटी। बहुत ज़्यादा स्टडी है। मतलब मुझे इसको परचेज़ करे ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने हो चुके हैं। अभी तक ये मतलब इसकी शाइन नहीं गई है, एकदम नए जैसा लगता है। सो लव द क्वालिटी ऑफ इट। और अगर हम इसकी MRP की बात करें तो ये 350 के अराउंड है। सो आई डेफिनेटली सजेस्ट, अगर आप सनग्लासेस देख रहे हैं दैट टू इन बजट, देन यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। बहुत ज़्यादा स्टडी है। सो या सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। और अगर मुझे इसे रेट करना होगा देन आई रेट इट 10 ऑन 10। ट्रस्ट मी, ये सारे अभी तक मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए, सबकी क्वालिटी 10 ऑन 10 है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज पता नहीं मेरी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बार मैंने जो भी परचेज़ किया है सबकी क्वालिटी और हर एक आइटम जो मैंने सोची थी बस वैसी आई है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड या आई एम लविंग। लाइक मुझे फिल्म करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट आइटम आई हैव दिस ब्यूटिफुल सेट ऑफ इयररिंग्स। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। सो दिस इज अ पेयर ऑफ 9 earrings। या देयर आर 9 earrings। तो अगर हम इसकी MRP की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 289 रुपीज़ में पड़ी है। और हर एक इयररिंग इतनी ज़्यादा यूनिक और इतनी ज़्यादा प्रिटी है। कैन यू जस्ट सी द इयररिंग्स, दे आर सो प्रिटी, सो स्टाइलिश, एकदम क्लासी इयररिंग्स है। तो अगर आपने ये एक सेट लिया, आपको और कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इसमें से मेरी फेवरेट्स की बात करूँ देन आई लव्ड दिस वन, this one and the first one. They are so pretty. पहनने से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर अभी मुझे रेट करने में शर्म आ रही है, क्योंकि इसे भी अगर मुझे रेट करना होगा आई रेट इट 10 ऑन 10, क्योंकि इतनी अच्छी रेंज में आपको इतनी अफोर्डेबल इयररिंग्स मिल रही है, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट डील। तो ऐसे हुप्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, लाइक छोटे हुप्स। तो अगर आप H&M ज़ारा में देखने जाएंगे तो आपको ये 1500-2000 में मिलेगी और इसमें इट्स सो अफोर्डेबल। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट, दे आर सो प्रिटी। और ये हर आउटफिट में चले जाएंगे, वेदर इट कैन बी वेस्टर्न आउटफिट या ट्रेडिशनल, सब में ये अच्छे से मैच हो जाएंगे। आपके टॉप्स में मैच होगा, ड्रेसेस पे अच्छे से मैच हो जाएगा। सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। सो फॉर नेक पीस आई हैव दिस ब्यूटिफुल लेयर चेन। सो दिस इज अ लेयर ऑफ 4 chains, मतलब 4 चेन मिल जाएगी आपको। Here you have star, a line kind of thing, a coin and one more line. तो ये भी मतलब मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ और इसे भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये मैं सोच रही हूँ कि जो रेड ड्रेस है उसके साथ मैं ये पेयर करूँगी। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अगर हम इसकी MRP की बात करें तो ये 180 के अराउंड था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट हाँ सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी। सो अगर इसके रेटिंग की बात करें देन आई रेट इट, आई फील कि मुझे इसको 7.5 या 8 रेट करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डल हुआ है। सो फॉर दैट रीज़न आई रेट इट 7.5 और 8 आउट ऑफ 10। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। सो इफ़ यू आर वेयरिंग अ हाई नेक टॉप और ड्रेस तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद अ पेयर ऑफ शूज़। सो फॉर दैट आई हैव दिस ब्यूटिफुल हील्स। सो दिस इज ए ट्रांसपेरेंट न्यूड हील्स। तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप मिल जाएगा एंड इट्स अ प्रॉपर हील हाइट। तो अगर आपको ज़्यादा हील हाइट नहीं पसंद है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। क्योंकि ये पहनने से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लिटरली आप पूरा दिन ये हील्स में बिता सकते हैं। सो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसे 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट। और अगर आपको इसमें दूसरे कलर्स चाहिए तो उसमें आई थिंक 6 to 7 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। और इसकी अगर हम MRP की बात करें दैन इट इज़ अराउंड 380। सो 380 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी हील्स मिल जाती है, विच इज़ अ ग्रेट डील, क्योंकि ये भी आपके वेस्टर्न आउटफिट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स सबके साथ मैच हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑफिस में भी पहन सकते हैं। तो आई बात रेटिंग की, तो अगर मुझे इसे रेट करना होगा देन आई रेटेड 9.5 out of 10। 0.5 इसीलिए कट हुआ क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे पोर्शन है वो प्लास्टिक का है, तो थोड़ा उसकी वजह से स्लिपरी हो जाता है। बट अदर दैन दैट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोडक्ट। सो नाउ इट्स द टाइम टू रिवील द होल लुक, मतलब डे टाइम एंड नाइट टाइम। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। सो या सो दिस इज द लुक फॉर द डे टाइम and it is looking so pretty, so freaking good. So love this look. आप इसे rate कर सकते हैं। So अगर मुझे ये look को rate करना होगा then definitely I'll rate it 9.5 out of 10 because I'm just loving this look. So yeah. And this is my second look. I hope आपको ये look भी पसंद आया हो। So इसमें से आपको जो भी products चाहिए आप नीचे link में से purchase कर सकते हैं। तो अगर हम इसको rating की बात करें then इसे भी मैं rate करूँगी 9.5 और 10 on 10. You just tell me, मतलब आई एम रियली कन्फ्यूज कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। सो आई फील जो डे टाइम वाला लुक था वो थोड़ा ज़्यादा बेटर था, क्योंकि मुझे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाय द वे ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।